हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के दिन की शुरुआत होती है मेरे इस टिकोमा के प्लांट से, जिसके फूल देखिए गिरे पड़े हैं और ये प्लांट थोड़ा सा बिखरा बिखरा हुआ है, क्योंकि इसके जो फूल है ना वो गुच्छे में आते हैं और ये पौधा थोड़ा सा लटक सा जाता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कटिंग लगाना। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे इस कनेर के प्लांट की कटिंग लगाना, जिसके फूल बहुत ही सुंदर आते हैं। तो इसके लिए हमें अच्छी सी कटिंग को चुनना होता है जो हम लगाना चाहते हैं। ये देखिए, ये स्टेम थोड़ी सी ब्राउन कलर की है, अच्छी है, तो आप इसे कट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा बड़ी कटिंग बिल्कुल नहीं लेनी है, इतनी ही आपको कटिंग लेनी है, तो आपकी ये कटिंग तैयार है। इसके बाद मैं लूँगी अपनी बोगनविलिया की कटिंग। इसको भी हमें देख के ही लेना है कि हमारी जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की होनी चाहिए कटिंग लगाने से पहले, बट मेरे को इसमें कोई भी ब्राउन कलर की कटिंग नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपने दूसरे प्लांट से लेकर आती हूँ। तो ये देखिए, ये भी मेरा बोगनविलिया का ही प्लांट है, तो इसकी कटिंग मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमें कौन सी लेनी है। ये देखिए, ये स्टेम थोड़ी सही है, तो आप इसको ले सकते हैं। आपको जो ग्रीन दिखेगी आपको उसको बिल्कुल कट नहीं करना है, आपको ब्राउन वाली लेनी है, तो इतनी ही आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा बड़ी आपको नहीं लेनी है। तो आगे हम लेंगे अपनी ये डेविस बैकबोन की कटिंग। इसकी कटिंग लगाना भी बहुत ही ईजी है, आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं और ये प्लांट आपका सर्दी गर्मी दोनों तरह से चलता है। आपको इसकी वो पतली स्टेम जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, थोड़ी सी थिक वाली ही लेनी है, क्योंकि इसमें ना जब ये प्लांट बड़ा होता है तो थोड़ी पतली पतली सी स्टेम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये थोड़ी थिक है, मैं इसको काट लेती हूँ। ये देखिए, इसमें ना थोड़ा सा वाइट कलर का लिक्विड सा निकलता है, तो ये थोड़ी देर में सूख जाता है। तो चलिए अब हम लेंगे अपनी ये गुलदावरी की कटिंग। गुलदावरी की कटिंग वैसे तो विंटर में हम लगाते हैं, बट हम इस मौसम में भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने कई लगाई हैं वो लग जाती हैं। तो चलिए इसे भी हम ले लेते हैं। तो ये हमारी एक और कटिंग रेडी हो गई है। तो आज मैंने सोचा कि मैं पांच कटिंग लगाऊंगी आपके सामने कि ये कैसे लगाते हैं। इसके बाद मैं लगा रही हूँ ये विनका की कटिंग। ये देखिए, विनका की भी कटिंग आपको अच्छी से चुननी है, ये नहीं कि आपको टेढ़े मेढ़े पौधे कट करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी ये पांच कटिंग रेडी हो गई हैं। तो चलिए इनके सारे नीचे से पत्ते आपको हटा लेने हैं, जितने भी पत्ते हैं आपको अच्छे से हटा लेने हैं, और ऊपर से थोड़े से ही आपको इसके पत्तों को छोड़ना है, और इसकी जो नीचे की स्टेम है उसको तिरछा कट करना है ऐसे। अगर आप इसको ऐसे कटिंग करते हैं तो ये पौधों को थोड़ा सा गैप मिलता है और जो हमारी जो कटिंग है वो सक्सेसफुल लग जाती है। ऐसे हमें अपनी सारी कटिंग्स को लगाना है। आप किसी भी प्लांट की कटिंग को ऐसे ही लगा सकते हैं और बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अगर आपको और कोई कटिंग जाननी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने कटिंग्स को कैसे लगाती हूँ। विनका की कटिंग बहुत ही जल्दी लगती है और बारिशों के मौसम में तो ज़्यादातर सभी प्लांट्स की कटिंग हमारी लग जाती है। गुलदावरी के पौधे वैसे तो विंटर के प्लांट हैं, बट आप इन्हें कोशिश करेंगे ना तो इनमें भी बहुत जल्दी रूट्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने एक प्लांट लिया था जिससे कि मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए थे, तो इसी वजह से मेरे पास ये प्लांट बचे हुए हैं। और ये देखिए, बोगनविलिया की भी मैं कटिंग अब लगा लेती हूँ। तो सारी कटिंग्स आपको ऐसे ही लगानी होती है, ये नहीं है कि आपको कोई और मेथड अपनाना है। अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाते हैं ना तो उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये मैंने सभी एक ही गिलास में लगा दिए हैं, आप चाहें तो अलग अलग बोतल में, अलग अलग गिलास में। गिलास में लगानी थोड़ी मुश्किल होती है, बट आप बोतल में लगाएंगे ना तो आपकी जो जितनी भी कटिंग है वो नीचे नहीं टिकेंगी। ये देखिए, ये मेरी पुरानी कटिंग है जो कि मैंने एक हफ्ते पहले लगाई थी, जिनमें अभी रूटिंग नहीं हुई है, एक ही में रूटिंग हुई है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। सदाबहार में मैंने आपको कहा था कि जल्दी रूटिंग होती है, तो ये देखिए सिर्फ इसी में ही रूट्स आई हैं, दिख रही होंगी आपको वाइट कलर की, कितनी सारी रूट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो जल्दी हमारे और प्लांट में भी आएंगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारी कटिंग कितनी तैयार हुई है। तो आप इस मौसम में कटिंग ज़रूर लगाइए, और मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना।